हेलो एवरीवन। सो गाइस, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं आपको दो सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि आई हैव कम हेयर टू प्ले, यानी कि मैं यहाँ पर खेलने आया हूँ, और आई हैव कम हेयर फॉर प्लेइंग, मैं यहाँ पर खेलने के लिए आया हूँ। तो फॉर प्लेइंग होगा कि टू प्ले होगा, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें और समझाने में भी कन्फ्यूजन है। मैं कोशिश करता हूँ गाइस, पता नहीं मैं समझा पाऊँगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फॉर प्लेइंग लगाते हैं, उनको लगता है सही तो है, खेलने के लिए कुछ हिंदी में सोचते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजों के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ जो टू है ये आपका टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो मतलब वजह होगी, कोई मोटिव होगा, कोई पर्पस होगा ना, मैं दिल्ली किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो मेरा पर्पस क्या है, मिलना। मेरा मोटिव क्या है, मिलना। क्या मैं मिल चुका हूँ, नहीं, अभी मैं मिला नहीं हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्शन है, एक्शन येट टू हैपन, अभी एक्शन हमारा हुआ नहीं है, मिलने का काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। तो जब होना बाकी हो तो हम उसमें टू लगाते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट माई फ्रेंड। तो इससे साफ पता चल रहा है कि बंदा अभी मिला नहीं है, वो मिलने के उद्देश्य से, उस पर्पस से, उस मोटिव से दिल्ली जा रहा है। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर मीटिंग माई फ्रेंड, फॉर मीटिंग माई फ्रेंड। अब वो हिंदी में सोचेंगे कि फॉर मतलब के लिए, मीटिंग मतलब मिलना, तो मिलने के लिए जा रहा हूँ, सही तो है, क्या गलत है इसके अंदर। तो सर जी मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप हिंदी पे ना जाएं, जो ग्रामर का रूल है उसको फॉलो करें। ग्रामर का रूल कहता है, मैं जरा इससे हटा दूँ, कि अगर आप किसी मोटिव की बात करते हैं, यानी कि आपका जो भी पर्पस है, पर्पस जो उद्देश्य है, तो उसके लिए आपको टू के साथ जो उसका बेस फॉर्म है वो लगाना है, यानी कि या तो लोग फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं बेस फॉर्म को, तो टू प्लस मैं भी लिख देता हूँ वी वन लगा देना आपको, यानी कि इन्फिनेटिव का आपको इस्तेमाल करना है, इन्फिनेटिव का आपको इस्तेमाल करना है पर्पस के लिए। अगर आपके मन में एक्शन है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि आपका जो मोटिव है वो अगर कोई एक्शन है, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ टोटल देख लीजिएगा। अगर कोई एक्शन है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ फुटबॉल खरीदने के लिए, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग की स्पेलिंग गलत होगी, एक मिनट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ओके, मैं मार्केट जा रहा हूँ क्या करने, फुटबॉल खरीदने के लिए। खरीदना हमारा एक्शन है, तो मेरा मोटिव है खरीदना, तो एक तो मोटिव होना चाहिए, ऊपर से मोटिव नाउन के रूप में नहीं होना चाहिए, मोटिव जो होना चाहिए वो एक्शन होना चाहिए। खरीदना मेरा मोटिव है, खरीदना, मेरा मोटिव फुटबॉल नहीं है, मेरा मोटिव है फुटबॉल खरीदना। तो जहां पर वो एक्शन भी आए तो वहां पर आपको टू लगाना है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ फुटबॉल, टू बाई अ फुटबॉल, समझते रहिए आराम से। तो आप टू प्लस ये जो वी वन है आप ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका मोटिव है, आपने किया नहीं है, करना है, करना अभी बाकी है, और मोटिव एक्शन के रूप में हो, वो नाउन के रूप में ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ फुटबॉल के लिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ फुटबॉल के लिए, फिर इसके अंदर मोटिव तो है बट एक्शन नहीं है, फुटबॉल एक्शन नहीं हो सकता, फुटबॉल तो हमारा एक नाउन है। तो मोटिव भी हो और वो मोटिव एक्शन भी हो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उससे एक पेन लेने के लिए, तो मेरा मोटिव क्या है, पेन लेना। अब ये जो पेन लेना है ये एक्शन है कि नाउन है, तो लेना एक एक्शन है, तो एक्शन भी होना चाहिए, मोटिव भी होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम, टू लगेगा टू टेक अ पेन, इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ पेन के लिए, पेन के लिए, तो मोटिव तो है लेकिन वो मोटिव हमारा एक नाउन है पेन, तो आप समझ रहे हैं एक्शन भी होना चाहिए, तब तो आप टू के साथ वी वन का इस्तेमाल करेंगे। एकदम क्लियर हो गया, और देख लेते हैं वो यहाँ पर आ रही है, शी इज कमिंग हेयर, शी इज कमिंग हेयर, ठीक है, वो आ रही, क्यों आ रही, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो यहाँ पर आ रही है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो पर्पस पता चल गया अंग्रेजी सीखना। अब ये वर्ब है कि नहीं है, तो सीखना वर्ब है, तो हम टू लगाएंगे।
she is coming here to learn English. तो इन जगहों पर अगर आप ऐसे बोलते हैं कि she is coming here for learning English, तो ये sentence आपका गलत माना जाएगा. Learning English rule कहता है कि आप for के साथ verb में ing उस वक्त नहीं लगा सकते हैं जब motive हो और वो motive action के रूप में. ये तो साफ क्लियर है, ठीक है जी. तो फिर हम कब लगाएंगे, तो मैं आपको समझा दूं. जस्ट मिनट टी. कब लगाएंगे हम, देख लीजिए. अगर हमारा मोटिव हो पर्पस हो, मतलब हम जिस पर्पस से जा रहे हैं, और वो एक्शन के रूप में ना हो, नाउन के रूप में हो. नाउन के रूप में, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं फुटबॉल के लिए, आई एम गोइंग टू मार्केट. तो अब यहां पर हमें फुल आजादी कि हम फॉर लगाएंगे. फॉर के बाद हमें कोई एक्शन नहीं लगाना है, हमें उस नाउन का जिक्र करना है, उस चीज का जिक्र करना है. सो आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर अ फुटबॉल. तो देख रहे हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं मार्केट जा रहा हूं फुटबॉल खरीदने के लिए, तो आई एम गोइंग टू मार्केट. फिर यहां पर मुझे लगाना होगा कि टू बाई अ फुटबॉल. अब डिफरेंस देख लीजिए, सिर्फ फुटबॉल बोलना है तो मैंने फॉर लगाया, लेकिन मुझे अगर कोई एक्शन दिखाना है तो मैं फिर वहां पर टू का इस्तेमाल कर रहा हूं. तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. रूल क्या है, मोटिव पर्पस है, लेकिन मोटिव पर्पस में एक्शन है तो हम टू लगाएंगे, और अगर मोटिव पर्पस के बाद कोई चीज का नाम है तो हम फॉर लगाएंगे. हिंदी मीडियम में लोग ऐसे सोचते हैं फॉर मतलब के लिए, कुछ ऐसा सोचते हैं. मैं हिंदी मीडियम से आपको नहीं पढ़ा रहा, अंग्रेजों के हिसाब से पढ़ा रहा. अक्षर, यू आर मेकिंग अ नॉइज. अक्षर, कैन यू हियर मी? डोंट डू दैट प्लीज. ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि भाई वो यहां पर आई है एक मोबाइल के लिए, तो मैं कैसे बोलूंगा कि शी हैज कम हेयर. आई है मोबाइल के लिए, यूनिक पर्पस है. तो टू मोबाइल या फॉर मोबाइल, तो फॉर अ मोबाइल. क्यों? क्योंकि इस पर्पस के अंदर कोई एक्शन नहीं है. ओके, वो यहां पर आई है एक मोबाइल लेने के लिए, तो शी हैज कम हेयर. अब फॉर टेकिंग या टू टेकिंग, टू टेक. शी हैज कम हेयर टू टेक अ मोबाइल. आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है. चलिए, ये हो गया. अब क्वेश्चन आता है कि लेकिन हमने तो फॉर के साथ आईएनजी सुना है, वो कब यूज होता है? तो फॉर के बाद अगर आप आईएनजी सुनते हैं, फॉर प्लस आईएनजी सुनते हैं, तो ये कब होता है? बहुत ध्यान से देखना होगा. ये फंक्शन को दिखाता है, किसी चीज के फंक्शन को दिखाता है. अगर मैं कहता हूं कि कैसे फंक्शन समझाऊं, मैं बोलूं कि ये जो कैमरा है, इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है शूटिंग के लिए. मैं ऐसे बोलता हूँ, इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है शूटिंग के लिए. तो मैं कैसे बोलूँगा कि दिस कैमरा इज यूज्ड फॉर. अब फॉर उसका फंक्शन है, कैमरे का इस्तेमाल किस, यहाँ भी आप कहेंगे कि पर्पस है, उद्देश्य है, लेकिन वो एक फंक्शन है, किसका इस्तेमाल होता है, इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. दिस कैमरा इज यूज्ड फॉर शूटिंग. तो हम ऐसे करके आईएनजी लगा देते हैं. यहां पर जो शूटिंग है, ये शूटिंग बेसिक देखने में वर्ब में आईएनजी है, बट ये भी एक नाउन का ही काम कर रहा है. लेकिन आप उस वक्त ये आईएनजी नहीं लगाएंगे जब कोई सब्जेक्ट कहीं पर जा रहा है कुछ करने के उद्देश्य से, तो भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे. उसके तो बिल्कुल मैं खिलाफ हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स. महागलत है. आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, यही सही है. फिर हम फॉर के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं? किसी चीज के फंक्शन को दिखाने के लिए. मैं बहुत सारे फंक्शन मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, जैसे कि कैमरा का इस्तेमाल किस फंक्शन के लिए होता है, शूटिंग फंक्शन के लिए होता है. आप कह सकते हैं कि शूटिंग पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये एक चीज का ये काम है, ये फंक्शन है, ये तालमेल बैठेगा तभी आप फॉर लगाएंगे. अब एग्जाम्पल्स आपको खुद ढूंढना पड़ेगा. ओके, जैसे कि माउस इज यूज्ड फॉर क्लिकिंग पर्पस. तो यहां पर मुझे क्लिकिंग बोलना पड़ेगा. माउस मतलब ये जो माउस है, ये माउस आप देख रहे हैं, तो इस माउस का इस्तेमाल क्लिकिंग के लिए होता है. अब मैं ये नहीं कह सकता कि माउस का इस्तेमाल टू क्लिक, माउस इज यूज टू क्लिक, ये हम नहीं बोल पाएंगे. अब पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूं, आप बताइए. अगर मैं कह रहा हूं कि राम मुंबई जा रहा है एक फ्लैट खरीदने के लिए, तो क्या होगा कि राम इज गोइंग टू मुंबई फॉर बाइंग अ फ्लैट, या राम इज गोइंग टू मुंबई टू बाई अ फ्लैट?
तो साफ आपके समझ में आ जाएगा यहां पर टू बाई लगाना है, फॉर नहीं लगाना। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट है वो कुछ करने के उद्देश्य से जा रहा है, वो काम जो अब तक हुआ नहीं है, वो एक्शन जो अब तक पूरा हुआ नहीं है, उसका उद्देश्य है उस एक्शन को करने का। ठीक है, यहां क्लियर है? राम मुंबई जा रहा है एक फ्लैट के लिए, तो बिल्कुल है, राम इज गोइंग टू मुंबई फॉर अ फ्लैट, वो भी मैं समझा चुका हूं। हिंदी मीडियम वाले इसको के लिए करके सोचते हैं। अब है कि फ्लैट का इस्तेमाल होता है रहने के लिए, तो फ्लैट इज यूज्ड फॉर लिविंग, हम इस तरीके से बोलते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। फ्लैट को मैंने फॉल्ट लिख दिया, फ्लैट कर दो जरा। ठीक है जी, कोई चीज है उसका इस्तेमाल क्यों होता है? इट इज यूज फॉर राइटिंग, इट इज यूज फॉर क्लिकिंग, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। तब आप समझ गए ना कि कोई काम, कोई चीज यूज होता है इस चीज के लिए, तब हम आईएनजी वहां पर लगाते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी कुछ ऐसे सिचुएशन से जहां पर आपको फॉर लगाना चाहिए, जैसे कि आप कहते हैं कि थैंक यू, हम किसी को बोलते हैं थैंक यू फॉर कमिंग हियर, यहां आपको लगाना पड़ेगा, यहां आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। उसके बाद और कैसे हो सकता है, जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर किलिंग अ मैन, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है कि उसको अरेस्ट किया गया है एक आदमी को किल करने के लिए। तो अब आप बाल की खाल निकालेंगे तो आप कहेंगे यहाँ भी तो पर्पस दिख रहा है, अरेस्ट हुआ है क्योंकि मारना पर्पस है। यहाँ पर है कि काम हो चुका है, उसने मार दिया है, किल कर दिया है, अब उसको अरेस्ट किया गया किलिंग के लिए। टू वाले में एक्शन इज येट टू हैपन, एक्शन तो हुआ ही नहीं है ना। मैं कहीं जा रहा हूं कुछ करने के लिए, तो अभी मैंने किया नहीं है ना। मैं किचन में जा रहा हूं चाय बनाने के लिए, तो क्या मैंने चाय बना ली? अभी मेरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे टू के साथ वो V1 लगाना पड़ेगा ना, आई एम गोइंग टू किचन टू मेक टी। ओके, एंड मैं बोलूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग टी, यानी कि चाय बन चुका है, चाय वाय बनने का काम हो चुका है, अब मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो आप खुद समझ लीजिए, यू नो बड़ा मुश्किल है इसको समझाना। तो थैंक यू फॉर मेकिंग टी, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, खूब सुना होगा आपने, यही है दोस्तों। अब आप ही कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं कितना आपको समझा पाया हूँ। तो क्लियर है, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो जाते जाते समझा दूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ फुटबॉल होगा, फॉर बाइंग अ फुटबॉल नहीं होगा। ओके, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अब इसका स्क्रीनशॉट आप क्या लेंगे, इसमें कुछ तो मैंने कुछ समझा ही दिया है, फिर भी चाहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू गाइस।